हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेंट दो लिपस्टिक के शेड्स दिखा रही हूँ। जैसे भी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, उसके बाद में वेडिंग सीजन आएगा, ये दोनों कलर्स जो है बहुत ही सुंदर लगेंगे, जो हर आउटफिट के साथ में बहुत ही स्मार्ट लुक देंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से दो शेड्स हैं। पहला जो शेड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों कलर बार के ही हैं। पहला जो शेड मैं आपको दिखा रही हूँ ये है 35M अरेस्टिंग पिंक कलर है। ये इसका जो वेट है वो 4.2 ग्राम वेट है इसका। इस तरह की सिल्वर पैकेजिंग में है ये और ये वाला कलर है ये। ये मैंने अपनी लिप्स पे अप्लाई भी किया हुआ है। ये वाला शेड है, ये बहुत सुंदर शेड है। ज़्यादातर जैसे हम ऑरेंज लगाते हैं या प्लम शेड्स लगाते हैं, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, पिंक से भी थोड़ा सा वाइब्रेंट पिंक में है। तो ये अच्छा फेयर कलर की स्किन टोन पे तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये वाला कलर। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो शेड मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये कलर बार का है। ये भी टेक मी एज आई एम लिप कलर ड्रैगिंग रस्ट 018 कलर है ये। ये भी इस तरीके का है, रस्ट शेड में है। ये भी मैं अप्लाई करके बताती हूँ आपको, ये भी बहुत सुंदर है। इसके साथ जो सबसे अच्छी बात है, इन्होंने शार्पनर भी इसके साथ ही दिया हुआ है। ये शार्पनर इसके साथ में फ्री है, आप जब भी अगर इसको ले रहे हैं तो इसको शार्पनर को आप ज़रूर याद से ले लीजिएगा। इसको मैं अभी अप्लाई करके बताती हूँ अपने लिप्स पे। इसका वेट है 3.94 ग्राम। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये फ्रेंड्स हमने अप्लाई कर लिया, बहुत ही इजीली बहुत स्मूथली ये हमारे लिप्स के ऊपर लग गया ये लिप शेड। ये बहुत प्यारा कलर तो आ रहा है। इसको हम एज अ आई शेडो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एज अ ब्रशर भी हम यूज कर सकते हैं। हल्का सा कोरल शेड में आएगा ये, तो ब्रशर भी बहुत सुंदर लगेगा इसका और आई शेडो में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, मेरी वीडियोज को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करिएगा। हम जल्दी ही मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर।